नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए जानें इतिहास में आज क्यों है खास 28 नवंबर। 1890 में भारत के महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का निधन आज ही के दिन हुआ था। 1993 में न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। 1990 को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा सौंपा था और डाउनिंग स्ट्रीट में अपने आवास को खाली कर दिया था। 11 साल के उनके कार्यकाल के बाद जॉन मेजर को ब्रितानी प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। 1960 में मॉरिटानिया ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह देश 15वीं शताब्दी ईस्वी से पुर्तगाल के अधिकार में रहा, फिर हॉलैंड और ब्रिटेन ने इस देश पर अधिकार कर लिया और सन 1903 में मॉरिटानिया फ्रांस का उपनिवेश बन गया। 1994 के दिन नॉर्वे ने यूरोपीय संघ की सदस्यता लेने के खिलाफ जनमत संग्रह के जरिए अपना मत दिया था। ये मतदान प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बैटलैंड के लिए एक झटका साबित हुआ था, जिनका एक अहम लक्ष्य था नॉर्वे को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाना। 1996 में कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। ये थी 28 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। नए दिन की जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।